ये 1,01,001 रुपये ये आपका नेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियो के साथ दोस्तों इसमें बात करेंगे कि NTPC की इनहैंड सैलरी क्या है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेशन मास्टर की स्लिप दिखाऊंगा कि दोस्तों स्टेशन मास्टर को कितनी सैलरी मिलती है और दोस्तों इसमें सैलरी में बेसिक पे में क्या क्या अलाउंस जुड़ते हैं। दोस्तों आपको पता हो कि रेलवे की एक ऐसी जॉब है जिसमें बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जो कि इसके कारण यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास जॉब मानी जाती है, जो कि इसमें अलाउंस ज़्यादा मिलने के कारण और सभी जो जॉब होती है स्टेट और सेंट्रल की उनमें गिने चुने ही अलाउंस मिलते हैं। इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ स्लिप के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको अलाउंस मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले इसमें बता दूं कि दोस्तों आपके जो NTPC के जो एग्जाम हो रहे हैं, इस NTPC में आपके पास दोस्तों एक तो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं और दूसरे हैं ग्रेजुएशन वाले। दोस्तों दो भागों में ये जॉब बांटी जाती है, पहले जो ले जाते हैं वो ले जाते हैं आपके 12th आपने की हुई हो तो 12th वाले फॉर्म भरते हैं, दूसरे जो कि ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों जो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें 5 प्रकार की पोस्टों पर वैकेंसी निकाली हुई है। दोस्तों जो 5 प्रकार की पोस्टों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी उन पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो सैलरी क्या है, तो दोस्तों मैं उसका बेसिक पे आपको बता देता हूँ पहले इस वीडियो में। तो दोस्तों ये 5 पोस्ट थी, वो थी आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी थी आपकी जूनियर टाइम कीपर, चौथी थी आपकी ट्रेन क्लर्क और पांचवी थी आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये 5 आपकी पोस्टें थी। इन पर जो पहली जो 4 पोस्ट हैं उन पर आपको 19,900 रुपये बेसिक पे मिलेगा और दोस्तों जो पांचवी पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क उसमें आपको 21,700 रुपये बेसिक पे मिलेगा, मतलब एक स्केल बढ़कर। मैं दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपका टेबल होती है जिसमें आपके पे दिए तो ये बेसिक पे और स्केल, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो अब दोस्तों दूसरी जो है, दोस्तों जिनने ग्रेजुएशन के बाद जो फॉर्म भरा है, जिनने ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा उनके लिए 7 पोस्टों पर वैकेंसी थी, जो थी आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरी आपकी गुड्स गार्ड, तीसरी आपकी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, चौथी आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवी आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, छठी आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस और सातवीं थी आपकी स्टेशन मास्टर। इन 7 पोस्टों पर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। तो दोस्तों इनकी जो बेसिक पे था, जो कि दोस्तों पहली 5 का जो दोस्तों बेसिक पे था, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट और दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, इन सभी 5 पोस्टों पर 29,500 रुपये आपका बेसिक पे है, जिनका 5 का सेम है। और जो दोस्तों दूसरी जो 2 लास्ट की जो जॉब है कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की, इन दोनों में जो आपकी जो बेसिक पे है इन दोनों का बेसिक पे एक स्केल ज़्यादा है, जो कि दोस्तों 35,400 रुपये। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेशन मास्टर की सैलरी बताऊंगा, उसमें दोस्तों क्या क्या आपको जुड़कर मिलता है, क्या क्या आपको सैलरी में मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप दोस्तों कंप्लीट देखें और अगर कोई भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो पर। स्क्रीन पर यह है आपकी स्टेशन मास्टर की पे स्लिप, जो कि इसकी स्लिप है, जो कि ओरिजिनल स्लिप है, जिसमें कि आपको बताए गए क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या आपको सुविधा मिलती है, किस प्रकार से आपकी सैलरी बनती है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है आपके जो कि आपको मिलते हैं अलाउंस और बेसिक पे। तो दोस्तों बेसिक पे जो है आपका इसमें मिल रहा है, जो है इसमें दिखाया गया है बेसिक पे आपका 36,500 रुपये, जो कि इसका बेसिक पे है। और डियरेंस अलाउंस इसमें जो मिलता है वो है आपका 4,380 रुपये। और जो हाउस रेंट अलाउंस है HRA है वो है आपका 2,920 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो है आपका 2,016 रुपये। और ड्रेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपका 2,016 रुपये। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये आपको 54,000 रुपये। दोस्तों मैं इसी की आपको बताता हूँ, जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं चिल्ड्रन अलाउंस एजुकेशन अलाउंस। तो दोस्तों ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये आपको साल में एक बार मिलता है, जो कि मई या जून के महीने में मिल जाता है आपको। ये दोस्तों जो एक बच्चे के लिए 27,000 रुपये आपको चिल्ड्रन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलता है, जो कि अलाउंस है रेलवे की तरफ से। ये दोस्तों और किसी भी विभाग में नहीं मिलता है, जो कि दोस्तों रेलवे में ही ये मिलती है आपको फैसिलिटी। तो दोस्तों ये 27,000 के हिसाब से 2 बच्चों के लिए हो गए आपके 54,000। और दोस्तों ये एक ही बार मिलती है, ये नहीं कि आपको ये हर बार मिलकर जुड़कर आए। तो दोस्तों ये आपको साल में एक बार मिल जाती है 54,000 रुपये, जो कि दोस्तों इस स्लिप में मैंने आपको दिखाया है, ये आपको हर स्लिप में नहीं पाएगा। उसके बाद दोस्तों
इसमें जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस दोस्तों, इसमें नाइट ड्यूटी भी आपको करनी पड़ती है दोस्तों, इसका भी आपको अलाउंस मिलता है जो कि है आपका 2657 दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं जो आपके नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो आपका 2657 रुपये है जे वाला। और इसमें जो आपके एक और है वो है आपका नेशनल होलीडे अलाउंस, नेशनल होलीडे अलाउंस आपको 630 रुपये मिलता है दोस्तों। आपने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको इस वीडियो स्पेशल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा और सभी में आपको बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ये जो इतने भी बेसिक पे जो अलाउंस मिले हुए हैं ये और किसी जॉब में नहीं मिलते हैं, ये केवल और केवल रेलवे की जॉब में ही मिलते हैं, जो कि दोस्तों आपको इसी के कारण रेलवे की जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब मानी जाती है दोस्तों, इसका यही कारण है। तो दोस्तों ये आपके कुछ एक्स्ट्रा पे मिलते हैं रेलवे में, जो कि दोस्तों है एड्रेस एरियास अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशनल, नाइट ड्यूटी और नेशनल हॉलीडे अलाउंस। इसके अलावा भी आपको दोस्तों ड्रेस का भी अलाउंस मिल जाता है, जो कि आपकी किसी भी स्लिप में लगकर आ जाता है दोस्तों, ये आपके अलाउंस होते हैं। अब दोस्तों अब इसमें बात करते हैं कटौतियों की। दोस्तों कटौती इसमें जो होती है वो है आपकी रिकवरी, जो ये यहाँ पर जो कटौती दिखा रहा है, कटौती में आपकी जो दिखाई है वो है आपकी पहली कटौती, आपकी इंश्योरेंस नाम से जो कटौती है वो आपकी 30 रुपये कटौती होती है इंश्योरेंस की, और दूसरी आपकी एनपीएस, एनपीएस मतलब कि जो आपके जो पहले रिटायरमेंट पर जो मिलते हैं पैसे या फिर आप निकाल सकते हैं, वो आपकी जो मेन कटौती है यही है एनपीएस कटौती, ये है आपकी 4088 रुपये हुई है इसमें कटौती, जो कि मेन है इसमें दोस्तों। ये जो कटौती होती है ये होती है आपकी डीए प्लस बेसिक का मिलाकर, डीए प्लस बेसिक का आपको 10% कटौती की जाती है, जो कि दोस्तों आपकी सैलरी में से। फिर इसमें एक और चीज़ होती है दोस्तों, इसमें जो दूसरा इसका एक खाता होता है उस खाते में जो कटौती करके डाले जाते हैं वो उसमें आपको 14% सरकार अपनी तरफ से देती है डीए प्लस बेसिक पे प्लस डीए का, बेसिक पे प्लस डीए मतलब कि 36,500 और 4,4380 को जोड़कर इसका 14% गवर्नमेंट देगी और इसका 10% हमारी सैलरी में से कटेगा। ये दोनों जुड़कर हमें एक खाते मिल जाते हैं, जो कि हम कभी भी आपत्ति पर निकाल सकते हैं या फिर हमें ये रिटायरमेंट पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं, इस प्रकार से हमारी कटौती होती है। तो दोस्तों ये कटौती और ये कटौती काटकर और ये जोड़कर पैसे जो हमें ग्रॉस सैलरी जो मिलती है दोस्तों, आप ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं वो बनी है इसकी 1,05,119 रुपये। और दोस्तों इसमें जो नेट पे जो कि इन हैंड सैलरी जो मिली है कटने के बाद वो मिली है आपकी नेट पे है, नेट पे मिला है आपको ये 1,01,001 रुपये, ये आपका नेट पे दोस्तों। ये नेट पे जो है ये 1,00,000 रुपये इसलिए आई है, 1,00,000 वैसे इसको मिलती नहीं है इतनी, 1,00,000 रुपये ये है जो कि इसमें जो 54,000 रुपये जुड़ रहे हैं ये दोस्तों मई के महीने में ही आते हैं, जो कि पढ़ाई के लिए अलाउंस जो दिया जाता है वो मई के महीने में ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये इस महीने की जो सैलरी है स्लिप इसमें आपको दिखा दिए गए हैं, ये 54,000 रुपये जुड़ के हैं, इसके कारण इसमें ये नेट पे जो है वो हो गया है आपका 1,01,000 रुपये। इसमें से आप 54,000 रुपये घटा दें और उसके बाद जो सैलरी बनेगी वो एक स्टेशन मास्टर की हर महीने की सैलरी होती है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टेशन मास्टर की स्लिप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपको कमेंट में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें, और दोस्तों आप अपनी सैलरी इसी प्रकार से निकाल लें। और दोस्तों ये कुछ उसके खास अलाउंस थे जो कि रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं, जो कि रेलवे वाले को ही मिलते हैं और किसी को नहीं दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय।